नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मकवाणा दिनेश। तो इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, जो है उगामेड़ी गांव का, जहां पे मैं रहता हूं। तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं, आप मेरे साथ रहिए, बने रहिए। ये जो पीछे आप एक गेट देख रहे हैं, ये मेरे गांव का है, उगामेड़ी गांव का, जिसने बनवाया है, जो लालजी भाई तुलसी भाई है उसने बनवाया है। और हमें गर्व है कि वो हमारे गांव के है, क्योंकि इसने मोदी साहब का सूट खरीदा था 4.5 करोड़ रुपए में, वो हमारे गांव के है। मैं आपको उसका घर भी दिखाऊंगा, आगे है, तो चलो हम उस तरफ चलते हैं। ये गेट देखो, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। तो उसके घर की ओर चलते हैं, और उसका बंगलो तो बंद होगा, लेकिन उसका गेट देखेंगे। गेट है, और हमारे गाँव में यहाँ पे मिर्च पाउडर की छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी है। तो ये देखो, थोड़े नजदीक हम आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं, सब पोटलियां है, सब मिर्च की है। तो सुखाने के बाद इसमें मिर्च पाउडर बनता है। अभी तक यहाँ कोई काम वाला नहीं आया, क्योंकि अभी तक सुबह का 7 ही बजे है। मैं 6 बजे से उठ के ये व्लॉग बनाने के लिए आ गया था, इसलिए क्योंकि यहाँ सहल पहल कम हो तो आवाज अच्छी आए। तो आप देख सकते हैं, ये बड़ा कारखाना है मिर्च पाउडर का, सामने मशीन भी है। तो मशीन से नजदीक जाते हैं थोड़ा सा, वो सामने ये है, वहाँ मिर्च पाउडर बनाने की मशीन है बड़ी। ये सब सूखा के मिर्च वहाँ पे वो मशीन में डालने के बाद पाउडर बनता है, और पैकिंग होके हर जगह सप्लाई होता है। यहाँ लोग बहुत खरीदने आते हैं, इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गया, कि बहुत चहल पहल होती है और आवाज़ भी बहुत आता है, इसलिए जल्दी आ गया व्लॉग बनाने के लिए। तो अब मैं आ गया हूँ गांव के थोड़ा नज़दीक। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये चबूतरा है, यहाँ पे कबूतर आते हैं, उसका घर बनवाया है। यहाँ पे बाजू में मंदिर है, खोड़ियार मंदिर, जो सगन भाई भिखा भाई अणगण ने बनवाया है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। ऐसा है हमारा गाँव, बहुत ही अच्छा है। और सामने ही आप देख सकते हैं हमारे सामने, वो ये सब यहाँ पे मिर्च पाउडर बनाने की फैक्ट्रिया है, छोटी छोटी भी मिर्च पाउडर की छोटी छोटी फैक्ट्रिया है, ऐसी तो यहाँ कई सारी है, सब बनता है। कभी भी आप आइए हमारे गांव में मिर्च पाउडर खरीदने के लिए। हमारा गांव का नाम उगामेड़ी है, तहसील गढ़ड़ा, डिस्ट्रिक्ट बोटाद, गुजरात राज्य। ये गेट आप देख रहे हैं, ये लालजी भाई तुलसी भाई अणगण का गेट है, जो उसकी प्राइवेट मकान है, अंदर बंगलो है, लेकिन जाने नहीं देते अंदर, इसलिए हम बाहर से ही दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये लालजी भाई यहाँ पे नहीं रहते, सूरत शहर में रहते हैं, जो डायमंड सिटी कहलाता है। वहाँ उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्रिया है डायमंड की, और डायमंड में वो बहुत पारंगत है, और हमें गर्व है कि वो हमारे गांव के हैं। कि उसने जो मोदी साहब है उसका सूट खरीदा था 4.5 करोड़ में, बहुत ही अच्छे इंसान है। उसने हमारे गांव में तालाब भी बनवाया है, वो तालाब पे भी हम जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा एक आइलैंड की तरह उसने बनवाया है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। और मैंने बताया था कि रोड की उस तरफ मिर्च पाउडर का ही फैक्ट्री है, तो हम चलते हैं उसके अंदर, एक मिर्च पाउडर की फैक्ट्री के अंदर। ये हमारे दोस्त है, इसकी प्रमुख मसाला यहाँ पे फैक्ट्री है, जो मिर्च पाउडर बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हम अंदर भी चलते हैं उसकी फैक्ट्री देखने के लिए, तो बहुत अच्छे बनाते हैं मिर्च पाउडर। आप कभी भी यहाँ हमारे गाँव में आए उगामेड़ी पे, तो मिर्च पाउडर यहाँ पे लेने आना। जो सुखाने के लिए रखी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मिर्च है, बहुत ही अच्छी मिर्च है। यहाँ पे जो आजू बाजू के गांव है वहाँ पे यहाँ पे हराजी होती है मिर्च की, और यहाँ बेचने के लिए आते हैं। और उगामेड़ी में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ है, लेकिन ये फैक्ट्री में आपको बहुत ही अच्छी मिर्च मिलेगी, हल्दी पाउडर मिलेगी, और कई सारे मसाले भी यहाँ पर मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितनी सारी मिर्च है, और हमारे दोस्त है
तो आप जरूर आना यहाँ पे मिर्च पाउडर खरीदने के लिए। ये गेट आप देख रहे हैं, ये दूसरा गेट है जो हमने पहले देखा था, सेम टू सेम उसकी तरह ऐसा ही गेट है। ये दूसरा गेट है क्योंकि यहाँ पे मिर्च पाउडर की जो फैक्ट्रिया है यहाँ नहीं है, ये दूसरा रास्ता है जो निंगाला गांव की ओर जाता है। यहाँ पे सारे खेत ही खेत है। आप देख रहे हैं अभी गेहूं की फसल है यहाँ पे, बहुत अच्छी फसल। ये धर्मनंदन आइलैंड है जो लालजी भाई तुलसी भाई अणगण्य बनवाया है। आप देख रहे हैं अभी मैं यहाँ पे ही हूँ, तो जो हम देखने जा रहे हैं तालाब जो लालजी भाई ने और सरकार ने मिलके बनवाया था, इसका ज्यादा योगदान लालजी भाई का था। तो हम देखने जा रहे हैं ये तालाब बहुत ही बड़ा गहरा और अच्छी तरह से बनवाया है पूरी सेफ्टी के साथ। देखो ये तालाब बहुत ही बड़ा है, तालाब है। और ये तालाब भी जो लालजी भाई तुलसी भाई अणगण है उसकी सहायता से ही बना है और सरकार दोनों ने मिलके ये बनवाया है, जो गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम है। ऐसे तालाब 3-4 तालाब है, आगे भी है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, वो तालाब भी आपको दिखाऊंगा। वो जो वहाँ पे है वो अंदर आइलैंड है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या है गेट बंद है, वो गेट बंद है इसलिए अभी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उसका अंदर उसके अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा। जो नाव भी है वो नाव भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिवाली का सीज़न होती है, वेकेशन होता है, छुट्टियाँ, तब सब लोग यहाँ नाव में बैठने के लिए आते हैं हमारे गांव के, छोटे बच्चों को खेलने कूदने के लिए, और जो बाहर से मेहमान आते हैं उसको यहाँ नाव में बिठा के सैर कराते हैं, जो मुफ्त में होता है, कोई पैसा वैसा नहीं होता। इसलिए बहुत ही अच्छा हमारा गांव है, कभी भी आप हमारे गांव में घूमने के लिए आए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम दूसरे तालाब पे चलते हैं, बहुत दूर है लेकिन हम गाड़ी लेके जाएंगे, वहां जाके फिर वीडियो बनाते हैं, चलते हैं। ये गौशाला है हमारे गांव की, बहुत सारी गैया को यहाँ रखा जाता है, उसकी सेवा होती है, खाना पीना सब यहाँ पर ही होता है। बहुत बड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो दूर तक है, वो बहुत बड़ी गैया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, सुविधाएं हैं खाने के लिए, जिस किसी को भी दान पुण्य करना होता है गैयों के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ दूर तक है, आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी है। ये गाँव के ऊपर की साइड में तालाब है, हम आ गए हैं दूसरे तालाब पे जो गांव के ऊपर की साइड है। जो पहला तालाब देखा था वो गांव की नीचे की साइड में है, अच्छा तालाब है। तो हम आगे भी तीसरा तालाब है, वहां भी हम जाएंगे, नदी है उस पे भी, उस पर भी ये डैम बनवाया है। तीनों जो छोटी नदी थी लेकिन उस पे काम करके उसको गहरा बनाया, चौड़ा किया, फिर तीनों डैम बनवाए हैं ये। और इस डैम पे जो बाजू के गांव है गोरड़ का, वहाँ से कैरी नदी है उस पे पाइपलाइन बिछा के उसका पानी यहाँ पे आता है। जब वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है तो उसका लाभ हमारे गांव को भी मिलता है, वो पानी यहाँ पे भी आता है, तो इससे ये पानी ज़्यादा यहाँ होता है। और ऐसा काम कहीं पे भी नहीं हुआ, हमारे गुजरात राज्य में तो ये पहला काम था कि दूसरे गांव की नदी का पानी जो पाइपलाइन बिछा के लाया गया हो, शायद ही कहीं मैंने सुना होगा। इसलिए मैं ये कहता है कि यहाँ पे जो काम किया है वो शायद कहीं पे भी नहीं हुआ, पहले हमारा गांव का था ये काम सबसे पहले, उसके बाद शायद किसने किया होगा, लेकिन पहला काम हमारे गाँव ने किया कि जो बाजू के गांव की नदी है कैरी नदी, वहां से पाइपलाइन बिछा के हमारे गांव के नदी में डाला गया हो। तो ऐसा काम हमारे गांव ने किया है।
तो जो ये पाइपलाइन का मुंह दिख रहा है आपको, यहाँ पे पानी निकलता है। जो बाजू के गांव में कुरड़ का गांव है, वहाँ जो नदी में ज़्यादा पानी होता है तभी यहाँ पे आता है। जब ज़्यादा होता है तभी यहाँ पे आता है हमारे गांव में, तो डायरेक्ट हमारी सोनल नदी में आता है। तो ये यहाँ पे उसका मुंह है, जो बहुत बड़ी लंबी पाइपलाइन है, ऐसे डाली हुई है हमारे गांव लोगों ने, जो हमारी सोनल नदी में पानी उसका आता है। उसके बाद हमको भी इस पानी का लाभ मिलता है। जो जब ज़्यादा पानी होता है उस नदी में, वो पानी आता है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है तो वो फोकट में यूं ही बह के चला जाता है, तो इसलिए वो पानी हमारे गांव में आता है। इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है हमारे गांव वालों को। और वो ज़्यादा पानी होता है वो यूं ही फोकट में बह ना जाए, इसलिए ये काम बहुत अच्छा है जो हमारे गांव लोगों ने किया है। यहाँ पे आपको दिख रही है पाइपलाइन, ये उसका मुँह है, वो डायरेक्ट हमारे गाँव की नदी में आता है। तो इससे ये तालाब हमेशा भरे रहते हैं पानी से, और उसका लाभ चारों तरफ जो खेत है उसको मिलता है। इससे हमारे गांव की फसल बहुत ही अच्छी होती है, और जो किसान है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये थे बहुत बड़ा काम हमारे गांव का। तो अब हम गांव के अंदर जाएंगे और गांव में आपको दिखाऊंगा, जो बहुत बड़ा गांव है और अच्छा भी है। तो चलते हैं गांव। तो मुझे यहाँ बेर दिख गए हैं, तो मैं यहाँ बेर खाने के लिए रुक गया हूँ गांव में जाने से पहले। तो मैं थोड़ा सा बेर खा लूँ, मुझे बेर बहुत पसंद है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं लेकिन बेर बहुत मीठे होते हैं। तो चलो हम बेर ढूंढ के खाते हैं। वो थोड़े से ऊपर है और डाली में हमको हिलाना पड़ेगा डाली को, उसके बाद हमें बेर खाने को मिलेगा या कांटे खाने को मिलेगा, देखते हैं। हाँ, जो पक्के पक्के हो गए वो नीचे गिर जाएंगे, फिर हम नीचे से बेर ले लेंगे। तो नीचे गिरे हैं, तो चलो ढूंढते हैं। देखो बहुत पक्के बेर हैं, अच्छे हैं, ये मिल गए हैं। देखो बहुत बड़े हैं, पक्के हैं। मजा आया, अच्छा लगा। तो मैं यहाँ बेर देखा इसलिए रुक गया, और अच्छा बेर है, मीठे हैं, जो सबरी ने राम को खिलाए थे मीठे बेर, ऐसे ही मीठे बेर हो गए शायद। मजा आया, हमारी सुबह अच्छी गई, बेर खाने को मिल गए, अच्छा हुआ। तो अब गांव में जाते हैं और गांव का वीडियो